मम्मी, अरे डर क्यों रही हो? मैं ही हूँ। क्या है? वो ना, मेरे सारे दोस्त जम्मू जा रहे हैं। ये वैष्णो देवी मंदिर जहाँ पड़ता है वही ना? हाँ हाँ हाँ। अगले साल पापा ले चलेंगे। अरे सब साथ में चलेंगे, ठीक है? अरे मम्मी बात तो सुनो, पापा आप लोग के साथ बाद में चल लूंगा, लेकिन अभी गुल्लू पिंटू सब जा रहे हैं ना, मम्मी तो दोस्तों के साथ जाना है। नहीं भाई, मुझे अपने बच्चे को अकेला कहीं नहीं भेजना। एक काम कर, एसी को 16 पर सेट कर और सो जा। बहुत काम पड़ा है मुझे, दिमाग खराब मत कर। मेरी बात सुनो, एक ट्रिप की परमिशन ही तो मांग रहा हूँ, और 1000 रुपए अलग से दे देना। ये जो भी काम है ये मैं कर लूंगा ना। कह दिया ना नहीं। मम्मी प्लीज। ठीक है, कपड़े धोते पहले, उसके बाद सफाई कर दियो, और ये बोतलें पड़ी है ना ये भी भर दे, फिर बताती हूँ। ठीक है, सब काम कर देता हूँ मम्मी जी। कामों के पैसे। अरे मम्मी जाना है पैसे। कहाँ जा रहा है? अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहा है? आप ही पूछ लो, पता नहीं क्या बोले जा रहे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पापा एग्जाम के लिए वो नोट्स लेने थे तो दोस्त के पास। अभी अभी। हाँ मम्मी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? बेटे पैसे ले और भाग के जा लाला की दुकान पर, और आधा किलो धुली मसूर की दाल लिया, 10 रुपए का जीरा, 10 रुपए की हींग, और 20 रुपए बचेंगे ना, कुछ खा लियो है। अच्छा सुन, लिख ले, भूल मत जाइयो। अरे नहीं मम्मी, रोज बादाम खिलाती हूँ, मेमोरी बहुत शार्प है, याद रहेगा। ठीक है, धुली मसूर, हींग और जीरा। जीरा लाता हूँ मम्मी, भूल ना जाए कुछ। अबे रोनी दल्ला यहाँ क्या कर रहा है? इस साले ने देख लिया ना तो लेनी की देनी कर देगा। काम करता हूँ, इसकी तरफ बिना देखे निकलता। अरे अवनीश, अरे बाबू कहाँ जा रहे हो? आओ। अरे रोनी भैया आप तो दिखे ही नहीं। कहाँ जा रहे थे? कुछ नहीं रोनी भैया, मम्मी पैसा देके सामान लेने भेजी थी। अच्छा, कितने का सामान लाना है? 80-80 रुपए का सामान उमान लाना होगा, 20 बचेगा तो कुछ खा पी लेंगे। खाना पीना बाद में, हम सुबह से ना सिगरेट नहीं पिए, बहुत तलब मच रही है। रोनी भैया देखिए देखिए, ये चीटिंग है, हमको 20 रुपया मिला है, आप पैसा दीजिए। अरे क्या चीटिंग है? अरे जब गर्लफ्रेंड को घुमाना होता है तो रोनी भैया स्प्लेंडर की चाबी दे देना, रोनी भैया ये कर देना, और इतना गलत नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। 80 रुपए दे रहे खुल्ले, घर का सामान ले लेना, एंजॉय बाबू। ये रोनी भैया, ये रोनी रोनी क्या अरे भैया काम अंतर पार्ट से पड़ रहा, हमें भी बता दे। अरे लाला हमारे यहाँ कौन सी दाल आती है? मूंग धुली। हाँ धुली मूंग, वो आधा किलो चाहिए, और उसको बनाने में क्या डलता है? जीरा। हाँ जीरा जीरा जीरा, और हींग। हींग, अच्छा अच्छा, मूंग धुली जीरा और हींग चाहिए। हाँ लाला पैक कर दो। ना है खाते हो? अबे अब घर पे क्या बहाना दूंगा। फिर बता आगे क्या हुआ? जब मम्मी जब लाला की दुकान की तरफ जा रहा था तो किडनैपर पीछे दौड़ने लग गया। मैं अपनी कैसे तैसे अपनी जान बचाई, बस 20 का नोट छीन लिया मम्मी ने। बताओ तो क्या जमाना आ गया है, दिन दहाड़े लोग किडनैपिंग करने लगे। अभी मैंने तो तुझे 100 का नोट दिया था, वो किडनैपर 20 रुपए कैसे लेके भाग गया?
मम्मी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, चुप। क्या कर रहा है पापा? गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे कभी तो प्रार्थना कर लिया कर, उस ऊपर वाले का नाम ले लिया कर। गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है, आज देखता हूँ तूने कितनी गाड़ी सीखी है। पापा ऐसे मत बोलो, मेरे को चलाने आती है। ओ, तेरे कहने से गाड़ी नहीं चलती, समझ आ गई ना? 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, समझ आ गई? स्टार्ट कर गाड़ी, धीरे 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 धीरे। अभी तो चलाने वाला हूँ ना पापा। अरे रुक रुक रुक, गाड़ी से नीचे उतर, नीचे उतर। पापा पर गाड़ी स्टार्ट कर दिए ना। अरे नीचे उतर। क्या हो गया? उतर गया पापा, पर हो क्या गया है? अरे गाड़ी के नीचे देख, कोई कुत्ता तो नहीं सो रहा? नहीं पापा, गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता नहीं है। ठीक है, अंदर आ जा। ठीक है बेटा, ठीक है। खामखा कोई कुत्ता मारा जाता तो उसका पाप हमारे सर चढ़ता। पर गाड़ी, और याद रखियो, अगर गाड़ी पे इतना सा स्क्रैच पड़ा ना तो आज के बाद मेरे गाड़ी मत मांग लियो। पापा चलाऊंगा तो पहले, तब तो पता चलेगा ना। अरे बात मत कर मुझसे, सीधा देख के गाड़ी चला। तुझे पता है आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था, 90% जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो साइड में देख के चलाने से होते हैं। सामने देख, कर जा। जी पापा। रे मंद बुद्धि, ऐसे गाड़ी चलाते हैं? अब इतने बाप का सर फूट जाता है। बकवास तो बड़ी करता है, गाड़ी चला लेता हूँ, ड्राइविंग ड्राइवर हूँ, आता भी है तुझे कुछ? पापा पापा ब्रेक पे चप्पल फंस गई थी मेरी। पापा पापा ही चलाएंगे, बाहर निकल। पापा मेरे से बकवास मत करिए, मुंह तोड़ दूंगा, बाहर निकल। पापा मेरी बात सुनो, एक और मौका देके देख। नहीं देना एक। बोला कितनी महंगी गाड़ी है? शांत हो। बनते हैं अपने आप को ड्राइवर। माफ प्रभु, तेरा दास हूँ, तूने गाड़ी चलानी है, नैया पार करानी है, समझ आई? और ये रखे हाथ, यूँ सामने देख, ये पैर इधर, ये पैर इधर, ये गियर रखा, ये पीछे रखा, और ये मन। अभी अब बालकनी में क्या कर रहा है खड़ा तू? कितनी बार समझाऊं तुझे, ये टी शर्ट मामा के घर के लिए रखी थी ना, सब पहन पहन के सड़ा दे तू घर में ही। अरे मम्मी आधे घंटे के लिए पहनी, आधे घंटे बाद उतार के रख दूंगा ना। कर क्या रहा है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया, काट लिया उसने। नहीं मम्मी यार, पोटी लगी है मेरे को जोर से। अरे तो पोटी कर ले जाके। अरे मम्मी नहीं कर सकता, मेरी फ्रेंड आने वाली है और नोट्स लेके आ रही है। मैं देख लूंगी उसे, तू जाके पोटी कर। सुनो अगर आएगी तो बैठाए रखना, और ये मत बोलना कि मैं पोटी गया। मम्मी प्लीज बोल देना कि मैं नहाने गया, ठीक है? 5 मिनट में आ गया मम्मी। हद है ये लड़का। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ। और बताओ बेटा? सब बढ़िया आंटी। अब नीश कहाँ है? वो ये बुक्स देनी थी। आ रहा है बेटा, पॉटी गया है। अरे बड़ी देर से पॉटी रोक के खड़ा था, अब बताओ भला ये पॉटी वॉटी रोकने की चीजें होती है, बीमार पड़ जाते हैं, मैंने जबरदस्ती भेजा है। एक तो इसकी ना बड़ी गंदी आदत है, बाजार से उल्टा सीधा खाए बिना मानता नहीं है, हो गया पेट खराब। और एक बात और, 1000 बार समझाया मैंने इसको कि बेटा जब भी पॉटी जाता है ना तो हाथ जरूर धोया कर, पर मेरी सुनता कहाँ है? बिना हाथ धोए खाना खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। तू बता चाय पिएगी कि कॉफी? अब इसे तो बेटा टाइम लगेगा आने में, पॉटी करने जाता है तो आधे घंटे से पहले नहीं आता। मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। अब आ रहा है? कब से इंतजार कर रही है वो, तेरी तो पॉटी ही नहीं खत्म होती, अंदर जाके बैठ गया तो बस। हाथ धो लिए। कैसी
नहाने में टाइम लग गया था थोड़ा। अब आप चाय लेके आओ। इनको गलत फहमी में पापा गए होंगे। पेट खराब है तुम्हारा? पेट वेट नहीं खराब है यार, तुमको तो पता है यार, जिम जाता रहता हूँ, डाइट लेता रहता हूँ। एक्चुअली ना क्या है ये, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी चड्डियां मशीन में मत डाला कर, पापा की सफेद शर्ट खराब हो गई, पर तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। देखना बेटा, अक्कल ही नहीं है इस लड़के को। मम्मी, मेरा कच्चा मेरे दोस्त के आगे क्यों दिखा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? तेरे दोस्त चड्डी नहीं पहनते? क्यों बेटा, नहीं पहनती तू? देख, दिमाग खराब कर रखा है इसने। वो मम्मी थोड़ा सा उम्र हो गई है ना, इंसान इरिटेट हो जाता है। मैं क्या कह रहा था कि हम साथ में बैठ के थोड़े से नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं चलती, मुझे ना लेट हो रहा है। तुम पकड़ो ये नोट्स और तुम्हारी बुक, मैं चलती। वो एक कॉपी कम है। अरे कहाँ गई? इतनी इज्जत के बाद कोई रुकता है? गई घर। गई घर? और ये चाय? अरे पीनी नहीं थी तो चाय क्यों बनवाई? चीनी, पत्ती, दूध सब खराब कर दिया। तेरे दोस्त भी ना तेरे जैसे है नलायक। इसे तू पिएगा, फेंकूंगी नहीं मैं इसे। पीछे बैठ के अभी अभी। हाँ मम्मी। सुन, मैं बुआ के घर जा रही हूँ और पापा डॉक्टर के पास, तो तेरा खाना बना के रख दिया, फ्रिज में गर्म करके खा लेना जब भूख लगे तो, और घर का ध्यान रखना। कब तक के लिए जा रहे हैं आप लोग? मैं शाम तक आऊंगी और पापा को भी इतना ही टाइम लगेगा। तू घर में ना ठीक से रहना, कुंडी मुंडी लगा लेना। हाँ, हाँ। घर का ध्यान रखना तू। चलो जी। पढ़ूंगा पापा, पढ़ूंगा। सुनो, घर पे कोई नहीं है, तुरंत आ जाओ और साथ में स्ट्रॉबेरी चॉकलेट दोनों लेके आना, ठीक है? अरे यार, तुम लोग ये अपने लिए स्ट्रॉबेरी और ये सब तो ले आए, अरे मेरे लिए थोड़ा सिगरेट विगरेट ले आते, मजा आ जाता मुझे भी। अबे तुमको कौन बोला था रोनी भैया को यहाँ पे लेके आने के लिए? क्या मतलब रोनी भैया, अपनों को बुलाना पड़ता है हा? आपके बिना महफिल सस्ती क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। बात तो आप सही कर रहे हो अवनीश भाई, लेकिन रोनी भैया ना एक नंबर के कंजूस है। मैंने इनको कही थी कि अपने पापा की ना बोतल ले आए, कहते पिछली बार आधी पी थी, आधा मुंह तो भर दिया, अब पीने लायक नहीं है। बताओ, अब एक बात बताओ गुल्लू, तुमको बहुत शौक है मुंह पीने का है? कहो तो वही बोतल ले आए तुम्हारे लिए। हाँ रोनी भैया, अब तो आप मुझे मुंह ही पिलाओगे ना, अगली बार आना मैं नहीं खिलाऊंगा अपने मोमो। अबे जा, तेरे मोमोस कौन खाता है? बट मेरे मोमो। अरे भाई शांत हो जाओ, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो यार? रोनी भाई, गुल्लू चिल, एक चीज दिखाओ। ये देखो। ओए 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 ओए, भाई कहाँ से लेकर आए इसको? अपने बाप की अलमारी से निकाली चुपके से। अब एक काम करेंगे, अब इसको भी हम आधा पिएंगे और उसके बाद रोनी भाई इसमें मुंह भर देंगे। देख साला, छोटी निहायती नीच प्रजाति का आदमी ऐसी बात करेगा? अबे पानी भर देंगे, मेरा बाप पानी के साथ पीता है। स्मार्ट गाय, स्मार्ट है ना। क्लास लेके आता हूं भैया, शुरू करते कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जाओ। कड़क है भाई, बहुत स्मूथ है, पता ही नहीं लगा। अबे क्या फ्लेवर है, अलग सा, कुछ सॉल्टी कुछ मिला हुआ नहीं, ऐसी दारू ही नहीं पिया। अच्छा क्या बात है, माँ का मजे ही मजे भाई। वैसे तो है,
अगर ऐसी दारू रोज पीने को मिल जाए तो इसकी माँ का मजे ही मजे। हाँ, ऐसी दारू जिसके साथ चखने की जरूरत ही नहीं है। अरे नमक घोल घोल के मिलाया गया, इसकी माँ का मजे, मजे ही मजे। भाई सही कह रहे हो, एक घूट लेते ना झुरझुरी सी आ गई। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा तेरा बाप इतनी इंपॉर्टेंट दारू पीता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोला। तुम लोग के बाप की तरह थोड़ी है जो ठेके के बाहर कर दारू की बोतल उठा के भूल जाते हो। पर भाई अगर ऐसा है ना, दोनों को पसंद आई, तो जो बची हुई दारू है हाफ के बाद इसको भी पियो, यहाँ तक कर दो, पानी भर देंगे, लेकिन आज फन नहीं रुकना चाहिए। भाई इस टाइम कौन आया भाई? पता नहीं भाई। यार रोनी भैया तुमने कुछ ऑर्डर कराया क्या? अच्छा तुम्हारी औकात ही नहीं है। ये पिया। पाप पाप हटा 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 हटा। पढ़ो 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 पढ़ो। Seven step to living your best. पापा दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? वो पापा पढ़ रहा था ना, सेवन स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। या ये दोनों कौन है? पापा गुल्लू और रोनी गली के मतलब दोस्त थे, पढ़ते हैं साथ में। पापा अरे इनको छोड़ो पापा, आप तो डॉक्टर के पास गए थे, तो आप घर पे क्या कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ डॉक्टर के पास ही गया था, सैंपल भूल गया था। कौन सा सैंपल पापा? अरे पेशाब का सैंपल। अरे बेटा कल से ना पेट में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, तो इसीलिए ना जो अंदर वाली मारी है ना उसके पीछे पौवा रखा है, उसी में मैंने सैंपल डाला है। चल जा जल्दी लेकर आ। आमा डाउजर कंडच। उसके अंदर आपके पेशाब का सैंपल था? हाँ। क्या होगा बेटे? अरे बेटा तू क्यों उल्टी कर रहा है? इसकी माँ का मजे ही मजे।